हेलो गाइस, वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव और आज मैं बीए प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स को जो फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में चाहे वो एनसीवेप से कर रहे हो, रेगुलर कर रहे हो या सोल से कर रहे हो, उनको हिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। तो चैप्टर है हमारा थर्ड। इट मीन्स हमने दो चैप्टर ऑलरेडी कवर अप करा दिए हैं, वीडियोस बना दिए। तो उन दो चैप्टर की अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो पहले उन्हें देख लीजिएगा, तभी आपको ये टॉपिक भी आज का समझ में आएगा, चैप्टर भी आपको समझ में आएगा। तो देखिए गाइस, और हमारी जो यूनिट है ये सेकंड है। और यहाँ पे मैं एक बात और क्लियर कर देता हूँ, मैंने पॉलिटिकल साइंस वाले जो स्टूडेंट्स हैं यानी कि ऑनर्स हों चाहे वो या बीए प्रोग्राम वाले हों, तो उनके लिए मैंने पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ा रखी है ऑलरेडी। आपको कम से कम 4 से 5 चैप्टर वहाँ पे करा चुका हूँ मैं। उन वीडियोज का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं यहाँ पे फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जो फर्स्ट सेमेस्टर में है, और बाकी के जो चैप्टर्स हैं वो आपको जल्दी ही कवर अप करा दिए जाएंगे, यानी कि जो आपके 3-4 चैप्टर बचे हैं वो भी आपको जल्दी ही कवर करा दिए जाएंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले नाम जान लेते हैं हम चैप्टर का। तो चैप्टर का नाम हमारा खाद्य उत्पादन का आरंभ, और टॉपिक है हमारा जो मेनली टॉपिक हम इस पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो है हमारा नवपाषाण काल। तो गाइज, आपको नवपाषाण काल से अगर बात समझना आ रही हो और आपको जानना हो नवपाषाण काल क्या है, तो आप हमारा सेकंड चैप्टर वाली वीडियो देखिए, हमने शुरुआत ही उसमें अच्छे से करी है। फिर भी मैं आपको थोड़ी बहुत बेसिक बातें बता देता हूँ। देखिए, बात होती है यहाँ से पाषाण काल से शुरुआत होती है। पाषाण काल जो होता है ये एक काल का नाम है, एक समय का नाम है, एक टाइम का नाम है। तो पाषाण काल यानी कि पाषाण हम कहते हैं पत्थर को, तो पत्थर का समय था। यहाँ पे पत्थर की बहुत अहमियत थी, इस वजह से इसका नाम रख दिया पाषाण काल। फिर इस काल को हमने 3 भागों में बांटा, ऐसे करके 3 भागों में बांट दिया। तो इन 3 भागों में से सबसे जो आखिरी वाला भाग था वो है नवपाषाण काल, और बाकी के 2 के बारे में मैंने आपको सेकंड चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा रखा। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ नवपाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। तो पहली हेडिंग जो है हमारी वो है नवपाषाण काल। तो सबसे पहले नवपाषाण काल के बारे में हम थोड़ी सी बेसिक बातें जानने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हमारा कहता है, आइए समझते हैं। यह पाषाण काल का अंतिम समय था। जैसा कि मैंने आपको बताया, पाषाण काल क्या होता है, पत्थर का जो समय था उसका सबसे लास्ट वाला समय था ये, ठीक है। तो यहाँ पे यही समझाना चाह रहा है हमारा जो पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है, इस काल में कृषि तथा खाद्य उत्पादन की शुरुआत हुई तथा पशुपालन भी होता था। देखिए, जो नवपाषाण काल था इसमें क्या हुआ, कृषि होना शुरू हो गई, खाद उत्पादन यानी कि खाद मतलब कृषि वगैरह करनी शुरू कर दी उन्होंने, खाद वगैरह जो खाने पीने की चीजें हैं वो उगाने शुरू कर दी थी उन्होंने, और पशुओं को भी पालना शुरू कर देते। किन लोगों ने, मतलब कि इंसानों ने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो पुराने जो टाइप के लोग थे वो जो हमने खाना वगैरह कृषि वगैरह जो स्टार्ट की थी वो नवपाषाण काल में करी थी सबसे पहले। तो आप समझ चुके होंगे इस पॉइंट को भी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है, ये समझते हैं, पूरे विश्व में गेहूं, जो चावल, मक्का, बाजरा तथा आलू की फसल होती थी, जिन्हें सभ्यताओं का संवाहक भी कहा जाता है। देखिए गाइस, जो पूरा विश्व था यानी कि पूरा जो वर्ल्ड है उसमें ये सारी फसलें होती थी पहले के टाइम पे, गेहूं, जो चावल, मक्का, बाजरा और आलू, ये सारी फसलें होती थी उस टाइम पे, और इन्हें क्या कहा जाता था, सभ्यताओं का संवाहक, यानी कि इन सबसे ही सभ्यताएं चलती थी। सभ्यता मतलब कि समाज कह सकते हैं हम, समाज वगैरह इन सब के ऊपर ही डिपेंड था पूरा, यही सब चीजें थी, इस वजह से इन्हें सभ्यताओं का संवाहक भी कहा जाता है। तो आप समझ चुके होंगे इस पॉइंट को भी। चलिए थोड़ी सी बेसिक बातें और जान लेते हैं। इस काल में औजार हल्के तथा तीक्ष्ण हो गए और मसूल, हसिया तथा चक्की का प्रयोग होने लगा। देखिए, जो इस काल की बात कर रहे हैं हम, कौन से काल की, यानी कि नवपाषाण काल में। आपसे ऐसे पेपर में पूछ सकते हैं, नवपाषाण काल के बारे में बताइए, नवपाषाण काल से रिलेटेड जो भी पूछे, तो आपको ये सारे पॉइंट याद रखने हैं, आपको वहां पे यूज करने हैं, ठीक है गाइज, इसलिए आपको ये सारी बातें पढ़ाई जा रही है। तो इस काल में क्या होता था, जो औजार थे वो हल्के बनाने लगे थे, ठीक है गाइज, हल्के और तीक्ष्ण, तीक्ष्ण मतलब नुकीले जो औजार होते हैं ना ऐसे करके तीर के टाइप के, वो बनाने लग गए थे। हसिया होता था, मसूल होता था, चक्कियां वगैरह होती थी, हाथ से चलाने वाली जो चक्कियां आपने देखी भी होंगी पुराने टाइम के समय पे, ये सारी चीजें होने लगी थी, मतलब इनकी शुरुआत हुई थी। और पढ़ते हैं इस पे आगे क्या बोला हमारा पॉइंट। इस काल में मिट्टी के बर्तन, पहिए का प्रयोग होने लगा था और कताई तथा माल निर्माण की भी शुरुआत हुई। देखिए गाइज, यहाँ पे जो है मिट्टी के बर्तन की शुरुआत हो गई थी, यानी कि हाथ से मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू कर देते, पहिए वगैरह, पहिए कैसे पत्थर से पहिए बनाने लग गए थे लोग, और कताई वगैरह, और माल का जो निर्माण है यानी कि जो कच्चा माल वगैरह होता है
उसका शुरुआत करनी यहाँ पे शुरू कर देती है। तो आप समझ चुके होंगे इस पॉइंट को भी, नवपाषाण काल में ये सब चीज़ें धीरे धीरे डेवलप हुई हैं। सबसे पहले तो इंसान जो था वो जंगलों में रहता था, गुफाओं में रहता था, फिर ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे डेवलप हुआ, वो धीरे धीरे सीखा पत्थर से कैसे बनाया उनने और फिर मिट्टी से बर्तन वगैरह, तो ऐसी करके ही शुरुआत हुई है हमारे पूरे मानव काल की। तो आप समझ रहे होंगे हम ये चीज़ क्या पढ़ रहे हैं। तो लास्ट पॉइंट और पढ़ लेते हैं बेसिक का हम। तो लास्ट पॉइंट कह रहा है 1970 में एक शोध से बोध हुआ कि भारत में कृषि किसी दूसरे देश से नहीं आई, क्योंकि मेहरगढ़ पाकिस्तान में गेहूं जो और दक्षिण भारत में ज्वार तथा बाजरा के साक्ष्य मिले हैं। देखिए ये पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि 1970 के दशक में यानी कि 1970 में एक शोध हुआ यानी कि खुदाई वगैरह हुई, तो उस खुदाई में हमें क्या पता लगा, कुछ सबूत मिले। क्या सबूत मिले कि भारत के जो मतलब वो थी, मतलब भारत में कृषि जो होती है, खेती बाड़ी जो होती है, वो किसी बाहर के देश से नहीं आई है, बल्कि भारत में पहले से ही, सबसे पहले से ही होने लगी थी। कैसे? क्योंकि हमें साक्ष्य मिले हैं, कुछ सबूत मिले हैं। कहाँ पे? मेहरगढ़ में मिले हैं। मेहरगढ़ आज के टाइम पे पाकिस्तान में है, तो वहाँ पे गेहूं जो बाजरा और दक्षिण भारत में हमें ज्वार का और बाजरा के भी सबूत मिले हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं हमारे जो भारत है इसमें पहले से ही कृषि थी, किसी दूसरे देश से नहीं आई, हमने किसी दूसरे देश से नहीं सीखा, हमें यहीं पे पहले से यहाँ पर डेवलप थी। आप देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है उसके बारे में पहले आपको समझाता हूँ क्या चीज़ है। देखिए नवपाषाण संस्कृतियों का प्रादेशिक विभाजन, देखिए इसको सबसे पहले मैं आपको मैप से समझाने की कोशिश करता हूँ। आइए चलते हैं सबसे नीचे मैप के पास। तो देखिए गाइस ये रहा हमारा मैप। तो वहाँ पे क्या था, नवपाषाण जो संस्कृति यानी कि जो नवपाषाण काल था उसमें जो संस्कृति थी यानी कि कल्चर वगैरह जो था, जो सारी परंपराएं वगैरह होती थी और जो काम होते थे, मतलब कि उस टाइम पे कौन से बर्तन वगैरह क्या होता था, कृषि करते थे नहीं करते थे, ये सारी बातें हम प्रादेशिक विभाजन के आधार पर पढ़ेंगे। प्रादेशिक विभाजन मतलब कि पहले इस एरिया में देखेंगे, फिर इस एरिया में देखेंगे, इस एरिया में देखेंगे क्या क्या होता था इस एरिया में, ऐसे करके पूरे भारत के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से एरिया पे क्या क्या होता था। तो इसी को हम एडिंग का मतलब है हमारा प्रादेशिक विभाजन से हम पढ़ेंगे, ठीक है, यानी कि प्रदेश के बारे में यानी कि पूरे हमारा जो देश है उसके बारे में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो देखते हैं दोबारा अपनी हेडिंग की ओर चलते हैं, आप समझ चुके होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा था आपको मैप के थ्रू। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले जो नवपाषाण काल है, नवपाषाण जो काल है उसको तीन भागों में बांटते हैं यानी कि तीन टाइम में बांटते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे तीन टाइम दे रखे, तीन अवधि में बांटते हैं, वो है यहाँ पे देख ले, यहाँ पे लिख रखी है 7000 से 5500 ईसा पूर्व की और 5500 ईसा पूर्व से 4500 ईसा पूर्व की और 4500 ईसा पूर्व से 3500 ईसा पूर्व में हम बांटते हैं। ये तीन टाइप की अवधि में हम नवपाषाण काल को पढ़ते हैं। तो आप समझ चुके होंगे इस चीज़ को भी। तो इन अवधि में क्या क्या हुआ हम सबसे पहले ये जान लेते हैं। देखिए इस टाइम पे भी क्या क्या हुआ था, जो पहली अवधि थी हमारी, पहली अवधि में हमने पशुपालन करना शुरू कर दिया। पशुपालन तो हम पहले से ही करते थे, फिर पशुपालन से धीरे धीरे हम कृषि करना सीख गए, कृषि मतलब कि खेती बाड़ी करना सीख गए। तो आप समझ चुके हो इस पॉइंट को भी। दूसरी अवधि में क्या हुआ, देखिए यहाँ पे कपास उत्पादन करना शुरू कर दिया यानी कि हमने कपास उगाना शुरू कर दिया, मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू कर दिए, व्यापार भी करना शुरू कर दिया और हसिया वगैरह जो औजार वगैरह थे वो भी बनाने शुरू कर दिए। और जो तीसरी अवधि थी उसमें तो और भी बढ़िया हो गए हम। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि बहुत सारे मिट्टी के बर्तन हमें मिलने लगे, मतलब हमने उस टाइम पे बहुत सारे मिट्टी के बर्तन बनाए उस टाइम के लोगों ने, आबादी बहुत सारी बढ़ गई, मतलब कि लोग वगैरह जो हैं वो बहुत बढ़ गए, ठीक है। इसी टाइप से जो चित्रित बर्तन होते हैं, बर्तन पहले सिंपल होते थे यानी कि सिंपल जो आज के टाइम पे होते हैं, लेकिन बाद में इन लोगों ने इस अवधि में क्या करने लग गए कि बर्तनों पे चित्र वगैरह बनाने लग गए थे, किसी भी चीज़ के चित्र बना देते थे वो हमें नहीं पता, बट हमें चित्रित बर्तन मिले हैं। तो आप समझ चुके हैं इस भारत के बारे में। तो आप पढ़ते हैं हम उत्तर पश्चिम भारत के, उत्तर पश्चिम भारत। देखिए हम यहाँ पे इस हेडिंग के बारे में दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नवपाषाण काल की जो संस्कृतियाँ होती हैं यानी कि इस टाइम पे क्या क्या हुआ था नवपाषाण काल में और किस जगह पे क्या क्या हुआ था, वही सब पढ़ेंगे हम इस हेडिंग के अंदर ही। तो मेन हेडिंग जो थी वो हमारी ये थी। और अब इसके अंदर देखिए सबसे पहले हम उत्तर पश्चिमी भारत के बारे में पढ़ते हैं यानी कि उत्तर पश्चिमी भारत। आइए चलिए मैं मैप से आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो मैप से देखिए यहाँ पे उत्तर पश्चिमी भारत कौन सा एरिया है, ये रहा उत्तर पश्चिमी एरिया, ये वाला देखिए, दोबारा से दिखाता हूँ मैं आपको ये वाला एरिया। अब आप बोलोगे कि सर ये तो पाकिस्तान का एरिया है, तो गाइस ये पहले पाकिस्तान भी भारत ही हुआ करता था, फिर बाद में पाकिस्तान बन गया, और ये बांग्लादेश का जो एरिया है ये भी पहले भारत ही हुआ करता था उस टाइम पे, ठीक है। तो ये हम उसी टाइम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ करता था इसके बारे में पढ़ते हैं, क्या क्या खाया जाता था, क्या खेती बाड़ी होती थी नहीं होती थी, यही सब पढ़ेंगे हम। तो यही सब क्वेश्चन में आपसे पूछा भी जाएगा। चलिए हम आपसे
चलते हैं अपने पॉइंट की ओर, फिर आपको पढ़ाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए ये तो उत्तर भारत आ गया हमारा, उत्तर भारत नहीं पढ़ना हमें, उत्तर पश्चिमी भारत पढ़ना। तो ये आ गया अपनी हेडिंग पे। तो उत्तर पश्चिमी भारत में क्या क्या होता था, क्या क्या कैसे कैसे होता था, सब पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं, चलिए फर्स्ट हेडिंग, फर्स्ट लाइन क्या कहती है हमारी, पढ़ते हैं। यह क्षेत्र आज के समय पर पाकिस्तान में सिंधु के मैदान तथा बलूचिस्तान वाला क्षेत्र है। देखिए जैसा कि मैंने आपको समझाया कि ये क्षेत्र जो है आज के टाइम पे पाकिस्तान में, और सिंधु नदी और जो बलूचिस्तान, मतलब बलूचिस्तान पत्थर का नाम है, ठीक है, और जगह का भी नाम है बलूचिस्तान। तो वहाँ का जो क्षेत्र है उसके टाइम पे, मतलब वहाँ का जो क्षेत्र है, मान लीजिए ये बह रही है सिंधु नदी, तो इसके आसपास के क्षेत्र में है ये आज का जो है, और ये आसपास का क्षेत्र ये आज के टाइम पे पाकिस्तान में। तो आप समझ चुके होंगे, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, इस क्षेत्र में कृषि और पशुपालन के विकास के साक्ष्य मिले हैं। देखिए ये जो क्षेत्र था हमारा, कौन सा क्षेत्र जो हमने पढ़ा, जो भारत के नक्शे पे ऊपर की तरफ था, इस क्षेत्र में क्या होने लग गया था, जो कृषि है और पशुपालन के सबूत मिले हमें, साक्ष्य यानी कि सबूत मिले हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। तो देखिए ये हमारा किली मोहम्मद, किली मोहम्मद ये इसी जगह पर एक जगह का नाम था। देखिए द्वारा मैप में देखते हैं हम, ये जो हमारा उत्तर पश्चिमी वाला इलाका है, इसी जगह पे एक क्षेत्र का नाम था किली मोहम्मद। जैसे कि पढ़ते हैं हम, हमारे आज के टाइम पे बहुत सारे क्षेत्र होते हैं ना, इसी टाइम पे एक इलाके का नाम था किली मोहम्मद। वहाँ पे भी देखिए क्या क्या हुआ करता था, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो किली मोहम्मद में देखिए क्या क्या होता है, ऐसे हमने और क्षेत्रों के बारे में पढ़ना है धीरे धीरे, और ये सारी बातें आपको याद रखने के पेपर पेपर में लिखने के लिए आएंगे ये आपको, ये सारी बातें। तो किली मोहम्मद में क्या होता था, इस क्षेत्र में 1949 से 51 तक खुदाई हुई। देखिए जो किली मोहम्मद जो क्षेत्र था यहाँ पे खुदाई हुई, खुदाई क्यों करी हम लोगों ने, क्योंकि हमें इतिहास पता लगाना था, हमें हिस्ट्री पता लगानी थी कि क्या क्या हुआ उस टाइम पे और क्या क्या नहीं हुआ। तो आप समझ चुके होंगे, तो 1949 से 1951 के बीच में यहाँ पे खुदाई हुई। खुदाई से हमें क्या क्या पता लगा, किली मोहम्मद के राणा गुंदाई में यायावर समुदाय की उपस्थिति के साक्ष्य, मिट्टी के बर्तन, पालतू जानवरों की अस्थियां तथा छेद वाली सुइयां भी मिली हैं। देखिए हमारे क्या हुआ, ये किली मोहम्मद जो एरिया था भारत के उस एरिया में, तो इस पे हमने खुदाई करी 1949 से 1950 के बीच में। फिर हमें क्या पता लगा, यायावर लोग यहाँ पे रहते थे, ये पता लगा। यायावर लोग कौन होते हैं, जो घूमते रहते हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाके रहने लग जाते हैं, फिर दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पे वे ये करते हैं, अपने भेड़ बकरी वगैरह चराते रहते हैं और घूमते रहते हैं, मतलब एक जगह पे कभी नहीं टिकते। तो ये लोग रहते थे इस इलाके में। और क्या करते थे, हमें मिट्टी के बर्तन के सबूत मिले हैं, मिट्टी के बर्तन के सबूत मिले हैं, और पालतू जानवरों की क्या मिलती है, हड्डियां वगैरह मिली हैं हमें, और छेद वाली क्या मिली है, सुई मिली है। तो छेद वाली आप सुई समझते हो, जैसे आज के टाइम पे भी है उसी टाइप से, वहां पे भी छेद वाली सुइयां होती है। तो हमें इस बात से क्या पता लगता है कि किली मोहम्मद इलाके में ये सब चीजें थी। तो ये सब पेपर में आपसे पूछ सकते हैं कि डायरेक्टली ये पूछ सकते हैं उत्तर पश्चिमी भारत में कि क्या क्या मिला था, मतलब क्या क्या प्रमाण है हमारे, क्या क्या था नवपाषाण काल में, ये सब आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है। ऐसी अमरी नाम की भी जगह थी एक किली, ठीक है गाइस, अमरी नाम की देखें, यहीं पे उत्तर पश्चिमी जो भारत है इसमें यहाँ पे एक अमरी नाम का भी इलाका था। इसमें क्या क्या मिला हमें, इसके बारे में पढ़ते हैं। जो अमरी इलाका था इसमें देखते हैं क्या पढ़ते हैं। तो यह क्षेत्र हड़प्पा के पूर्व में था तथा यहाँ लाल मृदभांड, कच्ची ईंटों के मकान, तांबे व शंख के टुकड़े तथा पालतू पशुओं के साक्ष्य मिले हैं। तो देखिए गाइस ये जो अमरी इलाका था, तो अमरी इलाका जो था ये हड़प्पा के पूर्व में था। पूर्व में आपने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा, उसके पूर्व में था, यानी कि इस तरफ था, पश्चिम होता ये और उत्तर होता ये वाला और दक्षिण होता नीचे वाला, तो इस साइड में था, ठीक है गाइस, हड़प्पा सभ्यता के तो पूर्व में था। और यहाँ पे क्या क्या मिला हमें, लाल मृदभांड मिले, मृदभांड मतलब कि बर्तन मिले हमें, लाल कलर के बर्तन मिले हैं, कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं हमें, और तांबे और शंख जो आप जानते हैं उसके कुछ टुकड़े वगैरह मिले हैं, और पालतू जानवरों के भी साक्ष्य मिले हैं, साक्ष्य मतलब कि सबूत मिले हैं हमें पालतू जानवरों के भी। तो आप समझ चुके होंगे यही सब आप बातें आपसे पूछेंगे। ऐसी मेहरगढ़ नाम का एक इलाका था इसी क्षेत्र में, मेहरगढ़ के बारे में पढ़ते हैं। मेहरगढ़ में हमें क्या क्या मिला, इस क्षेत्र में भेड़ बकरियों के पालन साक्ष्य, गेहूं जौ के साथ साक्ष्य, छैनी, हाथ की चक्की तथा हड्डियों के बने औजार और अन्य नवपाषाण काल के साक्ष्य भी मिले हैं। तो देखिए गाइस जो मेहरगढ़ का इलाका था, इस चीज में हमें क्या क्या मिला, इस इलाके में हमें क्या क्या मिला जब हमने खुदाई करी इस इलाके में हिस्ट्री पता लगाने के लिए, तो हमें क्या क्या मिला, क्या क्या मिला देखिए यहाँ पे।
हमें भेड़ और बकरी पालने के सबूत मिले, यानी कि साक्ष्य, यानी कि सबूत, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। गेहूं मिले, जौ मिले, इन सब के साक्ष्य मिले। छेनी, जैसे कि आप जानती हैं आज के टाइम पे मिस्त्री वगैरह जो यूज करते हैं, छेनी मिली हमें। और चक्की वगैरह मिली हमें, हाथ की चक्कियां जो हाथ से चलाते हैं। और हड्डी, हड्डी से बने औजार मिले, जैसे कि आप जानते हैं आदिवासी जो लोग होते थे वो हड्डी से औजार बनाते थे और फिर उसी से शिकार वगैरह कर लेते थे। इसी टाइप से बहुत सारे अन्य नवपाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। तो आपको ये सारी बातें भी याद रखनी है। मेहड़गढ़ में ऐसी एक गुमला नाम की जगह थी, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। गुमला में क्या क्या था? यह छोटा सा क्षेत्र गोमल घाटी में है। तो ये जो गुमला जो नाम का क्षेत्र था, ये गोमल घाटी में, आज के टाइम पे क्या है, गोमल घाटी। गोमल घाटी उसी टाइप, यहीं पे देखिए मैं दोबारा आपको मैप पे ले चलता हूँ। तो मैप में यहीं पे एक गोमल नाम की घाटी थी यहीं पे, तो यहाँ पे ही आप समझ चुके होंगे, यहाँ पे गोमल नाम की जो घाटी है यहीं पे ये क्षेत्र था छोटा सा, तो आप समझ चुके होंगे। दोबारा चलते हैं अपने, वहीं पे गुमला ये आ गया, देखिए यहाँ पे। तो ये जो क्षेत्र है वो आज के टाइम पे गुमला घाटी में है, ठीक है। इसी टाइप से यहाँ पे क्या क्या मिला है, यहाँ पशुओं एवं औरतों की आकृतियां, चित्रित मृतभांड तथा कुछ खिलौने जैसी गाड़ियां भी मिली हैं। देखिए जो ये गुमला इलाका था, ये तो छोटा सा क्षेत्र था बिल्कुल, और कहाँ पे था, गोमल घाटी में था। और इस इलाके में हमें देखिए पशुओं और औरतें वगैरह जो है ना, इनकी आकृतियां मिली, यानी कि हमें मूर्तियां वगैरह मिली होंगी कुछ इस इलाके में जब हमने खुदाई करी। और चित्रित मृतभांड, मृतभांड जैसे कि मैंने आपको बताया कि बर्तन को कहते हैं, तो चित्र बने हुए कुछ मृतभांड मिले हैं हमें, ठीक है। और इसी टाइप से हमें खिलौने जैसी कुछ गाड़ियां मिली हैं, खिलौने जैसी गाड़ियां आप समझते हो। तो ये सब चीजें मिली हैं हमें कहाँ से, हमें उत्तर पश्चिमी भारत से, उत्तर पश्चिमी भारत से। तो आपको देखिए अगर ये जगहों के नाम याद ना रहे तो कोई बात नहीं, बट आपको ये सारी जो जगह में आपने बात पढ़ी है बीच बीच में, तो आपको ये पूरा याद रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपसे पूछ लेगा, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा मैं समझाता हूँ मैप के थ्रू भी आपको। तो सबसे पहले यूँ पूछ लगेगा आपसे, उत्तर पश्चिमी भारत में मध्य नवपाषाण काल में आपको क्या क्या प्राप्त हुआ, क्या क्या मिला, या हमारी क्या क्या खोज हुई, वो आपसे ऐसे करके पूछ लेगा। तो आपको सारी बातें ध्यान रखनी है उत्तर पश्चिमी भारत की। हम पढ़ेंगे उत्तर भारत की, तो उत्तर भारत के भी बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। आपको बेशक नाम याद नहीं रहे इन जगहों का, बट आप मेनली जो जगह है, जैसे देखिए मेहरगढ़ और एक गुमला और ये आपको अमरी और किली मोहम्मद, ये सब आपको याद ना रहे तो आपको ये जरूर याद रखना है उत्तर पश्चिम भारत में हमें क्या क्या मिला, क्योंकि मेन जगह तो यही थी, बाकी तो सब अंदर के इलाके थे ये छोटे छोटे। तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है, ये सारी जो अंदर की बातें हैं, तो ये आपको याद रखनी है सारी, ये सारी बातें, क्योंकि यही इन्हीं से ही मेन क्वेश्चन बनेगा और इन्हीं से ही आप आंसर लिख सकते हो बहुत इजीली। अब बात करते हैं उत्तर भारत की। तो उत्तर भारत में आपको पहले मैप में दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए इजीली। तो उत्तर भारत आपको बहुत जगह पता भी होगा, बहुत जगह नहीं पता होगा, इस वजह से मैं मैप दिखा रहा हूँ। उत्तर भारत है हमारा ऊपर वाला एरिया, और ये वाला एरिया हम इस पूरे को हम क्या कहते हैं, उत्तर भारत कहते हैं। तो आप समझ चुके हो, आप बढ़ते हैं हम उत्तर भारत में, यहाँ पे हमें क्या क्या मिला था जब हमने खुदाई करी, तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में भी। तो देखिए उत्तर भारत में एक कनिष्कपुर नाम की एक जगह थी, यहाँ पे पढ़ते हैं हमने क्या क्या मिला हमें जब हमने खुदाई वगैरह करी, जब जांच वगैरह करी, तो क्या क्या हिस्ट्री में हमें पता लगा। यह क्षेत्र आज के समय में कश्मीर के बारामुल्ला जिले में है। तो कश्मीर में आज के टाइम पे कोई बारामुल्ला नाम का जिला होगा, उसमें आज के टाइम पे ये कनिष्कपुर, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे क्या क्या मिला हमें, तथा यहाँ हाथ और चाक से बने बर्तन मिले हमें, पालिशदार काले मृदभांड मिले हैं, प्रस्तर स्लेट नामक औजार मिला है, तथा बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, तो भेड़ बकरी पालन के भी साक्ष्य मिले। तो देखिए हमें इस क्षेत्र में जो कनिष्कपुर है, कनिष्कपुर में हमें क्या क्या मिला है, यहाँ पे हाथ और चाक से बने, कुछ तो हम हाथ से बनाते हैं और कुछ कुम्हार जो होते हैं वो अपने चौक पे रख के अपने बर्तन वगैरह बनाते हैं, तो वो मिला हमें मिट्टी के जो बर्तन थे, और पॉलिश वाले पॉलिशदार कुछ काले मृदभांड, मतलब काले पॉलिश करे हुए बर्तन मिले हैं हमें कुछ, और प्रस्तर स्लेट नाम का एक औजार भी मिला है। होगा कैसा कोई औजार, उसका नाम था प्रस्तर स्लेट। ऐसी भेड़ बकरी के भी पालने के हमें यहाँ पे साक्ष्य मिले, यानी कि सबूत मिले। तो आपको ये सारी बातें भी ध्यान रखने हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं उत्तर भारत में नवपाषाण काल में हमें क्या क्या मिला है या क्या क्या बातें थी, सब आपसे पूछ सकते हैं पेपर में। ऐसी देखिए कोल्डी हवा नाम की, देखिए एक यहाँ पे जगह थी, तो इसके बारे में पढ़ते हैं कोल्डी हवा के बारे में। तो यह क्षेत्र यूपी में बेलन घाटी में है। देखिए आज के टाइम पे जो है यूपी, आप जानते हो उत्तर प्रदेश, वहाँ पे बेलन घाटी नाम की एक जगह है, वहाँ पे है, ठीक है ये क्षेत्र। अगर आप मैप से बोलोगे तो मैं आपको मैप से भी शो कर सकता हूँ, बट बार बार आपको करूँगा तो आप वीडियो भी ज़्यादा लंबी बन जाएगी, तो आप छोड़िए, ठीक है। तथा यहाँ
चावर और लाल बर्तन के साक्ष्य मिले हैं, इसलिए इसे लाल बर्तन वाला स्थल भी कहते हैं। देखिए जो यहाँ पे ये कोल्डी हवा नाम का जो क्षेत्र है ये यूपी में था। यूपी में कहाँ पे? बेलन घाटी जो थी उसमें था, ठीक है। और यहाँ पे जो चावल के साक्ष्य मिले हैं, चावल के सबूत मिले हैं कि यहाँ पे चावल वगैरह उगाते थे लोग। और लाल कलर के बर्तन मिले, लाल कलर के आप बर्तन समझते होगे, उसके हमें सबूत मिले हैं। अब लाल कलर के बर्तन मिलते हैं इसलिए हम इस स्थल को क्या कहते थे? लाल बर्तन वाला स्थल भी कहते थे। स्थल मतलब कि जगह, स्थान कहते थे, ठीक है। ऐसी बुर्ज होम नाम की एक जगह थी। यहाँ पे क्या क्या मिला है ये इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यह क्षेत्र J&K यानी कि जम्मू और कश्मीर में, आज के टाइम पे जम्मू और कश्मीर में। कौन सा क्षेत्र? ये वाला बुर्ज होम, ठीक है। और तथा यहाँ लोग गोलाकार गर्त निवास में रहते थे। गोलाकार गर्त निवास में मतलब कि जो बुर्जो होम इलाका था ये जम्मू कश्मीर में आज के टाइम पे। और यहाँ पे लोग कैसे रहते थे? गोला मतलब गड्ढा करके, गोलाकार ऐसे, और उसमें रहते थे, ठीक है। यहाँ पे गोलाकार गर्त, गर्त मतलब गड्ढा होता है, ठीक है, उसमें रहते थे। निवास मतलब घर, आप जानते ही होंगे। तो आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है। लोग शिकार, मछली तथा कृषि से परिचित थे तथा गर्तों में पत्थर और हड्डी के औजार प्राप्त हुए। देखिए जो बुर्ज होम इलाका था यहाँ पे जो लोग रहते थे, यहाँ पे क्या था, लोग शिकार, मछली और कृषि वगैरह भी जानते थे, परिचित थे मतलब कि जानते थे। और इनके जो गड्ढे थे जिसमें ये रहते थे उसमें क्या था, हमें पत्थरों और हड्डियों के औजार वगैरह भी मिले। तो इस बात से हमें पता लगा कि यहाँ पे गर्तों में लोग रहते थे, ठीक है, गड्ढों में रहते थे। और क्या होता था इस इलाके में, यह लोग पीले मृदभांड प्रयोग करते थे तथा यहाँ अस्थि उद्योग भी था। देखिए जो ये बुर्ज होम नाम का इलाका था यहाँ पे क्या था, लोग पीले बर्तन यूज़ करते थे, मतलब पीले कलर के कोई बर्तन होंगे उनको यूज़ करते थे। मृदभांड जैसे कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ बर्तनों को कहते हैं, ठीक है। और क्या करते थे, अस्थि का उद्योग है यानी कि हड्डी वगैरह से, जानवर की जो हड्डी वगैरह थी उनसे यहाँ पे कुछ ना कुछ बनाते थे ये लोग, जैसा कि आपने पढ़ा। ऐसी यहाँ पे उत्तर भारत में एक जुफरकाल नाम का एक इलाका था, इसके बारे में पढ़ते हैं। जुफरकाल के नाम के बारे में जो है, आप नाम से बेशक ना समझो, आप नाम बेशक याद मत रखो इन सब चीज़ों का, बट आपको ये सब याद रखना है कि कौन ये उत्तर भारत में आपको क्या क्या हुआ। तो पढ़ते हैं हम इसके बारे में भी। गुफरकाल का अर्थ है कुंभकार की गुफा तथा इस क्षेत्र में कुछ गर्त मिले हैं जो भंडारण के लिए प्रयोग होते थे। देखिए जो गुफरकाल है नाम का इलाका जो है उत्तर भारत में, गुफरकाल का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, कुंभकार का गुफा यानी कि कुंभकार यानी कि कुम्हार वगैरह हम कह सकते हैं, उनकी गुफा। तो कुंभकार इस वजह से इसका गुफरकाल ऐसी करके नाम पड़ा होगा इस क्षेत्र का। इस क्षेत्र में देखिए और क्या क्या मिला है हमें, इस क्षेत्र में जो गड्ढे वगैरह मिले हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था, गड्ढे जो मिले हैं उस गड्ढों में क्या होता था, भंडारण के लिए प्रयोग किया जाता था, यानी कि कुछ तो रहने के लिए प्रयोग करते थे, कुछ भंडारण, भंडारण मतलब कि स्टोर करने के लिए, यानी कि कुछ चीज रख देते थे वो उन गड्ढों में। तो आप समझ चुके होंगे। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा क्या कहता है, यहाँ पत्थर की चक्कियां तथा पालतू जानवरों के साक्ष्य मिले हैं। देखिए गाइज यहाँ पे क्या मिला हमें, पत्थर की चक्कियां मिली हैं हमें, पत्थर से बनी हुई चक्कियां आपने देखी होगी। और पालतू जो जानवर थे उनके सबूत मिले हैं कि यहाँ पे इस एरिया में हमें जो जानवर वगैरह थे वहाँ के लोग वो पालते होंगे उस टाइम पे, नवपाषाण काल में। तो आप समझ चुके हो। आप गाइस जो बाकी का जो हम पढ़ेंगे यानी कि जो मध्य गंगा घाटी के बारे में पढ़ेंगे और जो आगे का जितना भी रहता है ये पूरा चैप्टर, ये हम सेकंड पार्ट में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये गाइस बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, इस वजह से मैं आगे ये बाकी का है सब आगे के चैप्टर में, मतलब आगे के पार्ट में कंटिन्यू करूँगा। तो आगे का पार्ट आपको जल्दी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर तो ज़रूर करिए।